आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में आज पहली बार टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी, जहां उनके सामने राशिद खान की अफगानिस्तान टीम होगी। ये मुकाबला दोनों ही टीमों का सुपर 8 स्टेज में पहला मैच होगा। दोनों ही टीमों को ग्रुप 1 में रखा गया है। भारत और अफगानिस्तान दोनों ही टीम इस समय शानदार फॉर्म से गुजर रही है। अगर मैन टू मैन मार्किंग की बात की जाए तो भारतीय टीम मौजूदा रैंकिंग के हिसाब से काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन हालिया प्रदर्शन अफगानिस्तान का शानदार रहा है। ऐसे में ये मैच रोमांचक होने की संभावना है। ये मैच केंसिंगटन ओवल बारबाडोस में खेला जाएगा। अगर इस पिच की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इस मैदान पर अब तक 5 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 2 मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम की जीत हुई, जबकि 2 मैच में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत हुई है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। पिच के रिकॉर्ड के अनुसार टॉस जीतकर टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करना चाहेगी। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो भारत और अफगानिस्तान टी20 क्रिकेट में अब तक 8 बार आमने सामने आए हैं, जिनमें से 7 बार भारत की जीत हुई है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। अफगानिस्तान आज तक भारत को किसी भी फॉर्मेट में हरा नहीं पाई है। अब बात करते हैं दोनों टीम के अब तक के सफर की। अफगानिस्तान को ग्रुप सी में वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा के साथ रखा गया था। अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में युगांडा को 125 रन से हराया था। अपने दूसरे ग्रुप स्टेज मैच में इस टीम ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हराकर वर्ल्ड कप इतिहास का एक बड़ा उलटफेर कर दिया था। इसके बाद इस टीम ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हराते हुए सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की, लेकिन आखिरी ग्रुप मैच में वेस्टइंडीज ने इस टीम को 104 रन से हरा दिया। टीम अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रही। अब बात करते हैं भारतीय टीम की। भारत को ग्रुप स्टेज में ग्रुप 1 में पाकिस्तान, यूएसए, आयरलैंड और कनाडा के साथ रखा गया था। भारत ने अपने पहले ग्रुप मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से हराया, जबकि उसके बाद चीर प्रतिद्वंदी यानी पाकिस्तान को 6 रन से हराया। भारत का तीसरा मैच में अमेरिका से सामना हुआ, उस मैच को भारत ने 7 विकेट से जीता। भारत का चौथा मुकाबला कनाडा से हुआ था, जो कि बारिश की वजह से रद्द हो गया था। अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 की। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम की। इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज शामिल हो सकते हैं। इस मैच की कंडीशन के हिसाब से टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव खेल सकते हैं। अगर कुलदीप को मौका मिलता है तो देखना होगा कि टीम से किस खिलाड़ी को बाहर बैठाया जा सकता है। वहीं यशस्वी जायसवाल के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। अब रुक करते हैं अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का, जहां रहमानुल्ला गुरबाज, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नईब, अजमतुल्ला उमरजई, नजीबुल्ला जादरान, मोहम्मद नवी, करीम जन्नत, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन उल हक, फजल उक फारकी शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे क्रिकेट केसरी के फैंटेसी 11 की, जहां रहमानुल्ला गुरबाज, ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इब्राहिम जादरान, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, फजल अक फारूकी इस टीम के कैप्टन होंगे। रोहित शर्मा, जबकि वाइस कैप्टन आप हार्दिक पांड्या को बना सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें क्रिकेट केसरी।